नमस्कार दोस्तों, त्वरित सबसे चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो हम आपको बताएंगे कि जो 194 डिक्लेरेशन आपको मेल पे 15 हर मंथ के 15 तारीख के बाद मेल पे आता था, उसको आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको स्टैम्प और साइन करके मेल पे रिप्लाई टू ऑल करना पड़ता था। इस तरह से 194 का डिक्लेरेशन आप देते थे। 194 का डिक्लेरेशन इसलिए दिया जाता है कि जो पैसे आपने टाटा ने आपके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, या आपने SR के थ्रू ICICI बैंक में से या एक्सिस बैंक से लिया है, उसका आप डिक्लेरेशन देते हैं कि वो पैसा आपने ATM में कैश लोडिंग के लिए ही यूज किया है। अगर उस पैसे का आप और अदर जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप वो डिक्लेरेशन देते हैं और वो डिक्लेरेशन सबमिट किया जाता है, टाटा RBI को सबमिट करती है। तो इसके लिए लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारे पास मेल नहीं पहुंचा है और सारे इशू आ रहे हैं। इसका सलूशन के लिए टाटा ने आपका जो फ्रेंचाइजी ऐप में है उसमें 194 डिक्लेरेशन का ये ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अगर N94 डिक्लेरेशन पेंडिंग है तो यहाँ पे शो करेगा लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो 194 एंड डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद कंप्लीटेड में ये वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे अगर आपने ऐप के थ्रू अगर सबमिट किया है तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट सबमिट हो चुके हैं अगस्त और सितंबर का, ये सबमिटेड यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 190 डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। किस डेट को सबमिट हुआ है वो भी यहाँ पे शो करता है कि आपने किस डेट को सबमिट किया है। जैसे जो सितंबर का 194 का डिक्लेरेशन है वो हमने 1 नवंबर को सबमिट 17:48 पे सबमिट किया है, तो वो यहाँ पे डेट आपको शो करता है कि आपने कब सबमिट किया है। और इसी तरीके से जो पिछला अगस्त का जो सबमिट किया गया है, जो हार्ड कॉपी में आप सबमिट किए थे, उसका जो डेट है वो 31 अगस्त 2022 है। तो आशा है कि अगर आप इस तरह से 194 डिक्लेरेशन देंगे तो बहुत इजी रहेगा। कोई प्रिंट आउट नहीं, कभी भी आप कहीं पे भी रहिए, अपने मोबाइल से फ्रेंचाइजी ऐप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग में जाइए, पेंडिंग में जो भी है उसको सबमिट करिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।